किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकारा था और मंगलवार को आदेश जारी करने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी के सांसद किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते नहीं थक रहे। बीजेपी के सांसद एस मुन्नीस्वामी ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद मुन्नीस्वामी ने किसानों को लेकर यह विवादित बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि ये बिचौलिए हैं या फिर फर्जी किसान, ये पिज्जा बर्गर और केएफसी का खाना खा रहे हैं, वहां उन्होंने जिम को बनाया है, अब ये ड्रामा बंद होना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।